हरिद्वार। तो आइए भक्तों, श्री हरि का स्मरण करके अपनी यात्रा का शुभारंभ पौराणिक एवं आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार से शुरू करते हैं। हरिद्वार अर्थात हर की नगरी, जिसके स्मरण मात्र से ही आत्मसुख व शांति का अनुभव होता है। यह नगरी मुख्यतः शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तेता, मोक्षदायी का, अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका व पुरी द्वारावती ये सात मोक्षदायिनी सप्तपुरियां हैं। मायापुरी ही आज मुख्यतः हरिद्वार, गंगाद्वार, कपिस्थान, तपोवन इत्यादि नामों से विख्यात है। इसको पंचपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः कनखल, ज्वालापुर, मायापुरी और भीमगोड़ा नाम की पांच पुरियां शामिल हैं। यह नगरी वर्तमान समय में उत्तर पश्चिमी दिशा में दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगरी उत्तराखंड राज्य के प्रवेश द्वार एवं गौरव के रूप में जानी जाती है। यहां आप अपनी सुविधानुसार रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। इस आध्यात्मिक नगरी का स्पर्श पाते ही आप अपने अंदर असीम शांति का संचार अनुभव करते हैं। यहां प्रवेश करते ही भगवान शिव की प्रतिमाएं आपको यहाँ की भव्यता का बोध कराते हुए प्रतीत होती हैं। यहाँ पहुँचकर आप अपनी सुविधानुसार धर्मशाला या किसी होटल में विश्राम कर सकते हैं, तथा यहाँ पर सुबह शाम गरीब ब्राह्मणों एवं भिखारियों के लिए निशुल्क भंडारे चलते रहते हैं। तो भक्तों, अब हम भगवान शिव शंकर एवं गंगा मैया का स्मरण करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। गंगा मैया संपूर्ण क्षेत्र में फैली एवं असीम सौंदर्य को अपने आप में सहेजे पर्वतमालाएं, और इनके बीच में कल कल करके बहती स्वयं गंगा मैया। यहां आस्था और सौंदर्य का मधुर संगम आपको आध्यात्मिक सुख का एहसास कराएगा। पतित पावनी मोक्षदायिनी एवं पापहारिणी माँ गंगे। माँ गंगा, जिसे राजा भागीरथ द्वारा कठोर तप करके अपने पितरों यानी राजा सगर के हजारों पुत्रों एवं धरती के उद्धार हेतु इस भूमंडल पर उतारा था, अर्थात इसे भागीरथी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। हर की पौड़ी। वैसे तो माँ गंगा मैया के जल में आप कहीं भी स्नान करें, यह फलदायक एवं पापों से मुक्ति दिलाता है। परंतु पुराणों की मान्यता अनुसार हर की पौड़ी पर स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में राजा श्वेत द्वारा कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गया था। तत्पश्चात राजा की इच्छा अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव यहाँ वास करते हैं, तथा यहाँ पर निर्मित पौड़ियाँ कालांतर में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अपने बड़े भाई भृतहरि की स्मृति में यहाँ बनवाई गई थी, जिनका समय समय पर गंगा सभा द्वारा नवीनीकरण होता रहता है।
सब दुख रोग मिटाते चलो, सब दुख रोग मिटाते चलो, श्रद्धा से गंगा नहाते चलो, श्रद्धा से गंगा नहाते चलो। ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी के नजदीक ही स्थित है ब्रह्मकुंड। पौराणिक मान्यता अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत की चार बूंदें छलक कर पृथ्वी पर गिरी थीं, उनमें से एक यहीं गिरी थी। इसीलिए अनादि काल से ही महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष पश्चात यहीं होता है। यह तीर्थ हरिद्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार, ब्रह्मकुंड क्षेत्र का प्रमुख घाट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के नाम से ये जाना जाता है। श्लोकों में इसका अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकावती, चगया सप्त तीर्थे मोक्षदायक। अष्टपुरियों में तीसरी पुरी मायापुरी हरिद्वार का यह प्रमुख घाट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ पर मुख्य जो कुंभ अर्धकुंभ का मुख्य पर्व लगता है वो इसी घाट पर लगता है। इसी घाट के समीप ही प्राचीन एवं नवीन मंदिरों की श्रृंखला है, जिसमें मुख्यतः स्वयं गंगा मैया का प्राचीन मंदिर, प्राचीन साक्षेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, गंगेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, श्री भैरव मंदिर, श्री बजरंग बली हनुमान मंदिर आदि सम्मिलित हैं। यहाँ प्रातःकाल से सायंकाल तक मंदिरों की बजती हुई घंटियां एवं भगवान शिव शंकर व गंगा मैया के लगते जयकारे श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करके आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। गंगा मैया की प्रतिमा। गंगा मैया की मनमोहक प्रतिमा नदी के बीचों बीच स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को 2008 में छतरपुर दिल्ली मंदिर ट्रस्ट के महाराज श्री नागपाल जी की याद में उनके शिष्यों द्वारा यहां स्थापित किया गया था। यह प्रतिमा गंगा मैया का साक्षात स्वरूप प्रतीत होती है।